एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तुए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला चरण कमल तेरे तुए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तुए पीवा मेरे सतगुर दीन चरण कमल तेरे तुए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला आपे करने हारा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपे करने दर्शन को बलहारा चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलहारा सिमर नाम मेरे राम राय
मेरे राम राए, मेरे राम राए, जो राख सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे होए प्रेमिया मेरे सतगुरु दीन दयाला चरण कमल तेरे होए प्रेमिया मेरे सतगुरु दीन दयाला सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तुए तुए पिवा मेरे सतगुरु दीन दयाला चरण कमल तेरे तुए तुए पिवा मेरे सतगुरु दीन दयाला मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए तहां बैकुंठ कीर्तन तेरा आपे शरदा राए तहां बैकुंठ कीर्तन तेरा आपे शरदा राए सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तुए तुए पिवा मेरे सतगुरु दीन दयाला चरण कमल कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुम रे द्वारे आया कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुम रे द्वारे नानक को प्रभु पै कृपाला सतगुरु पूरा पाया
नानक को प्रभ पै कृपाला सतगुरु पूरा पाया। सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे पिया मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे तुहे तुहे पिया मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल मेरवाना घर
अगली चिंता मिटाई। जाल पुरख मेरवाना वर नानक साच बखाना, पुरखी वाणी आई तिन सगली चिंता मिटाई। जाल पुरख मेरवाना, जाल पुरख मेरवाना वर नानक साच बखाना, पुरखी वाणी आई तिन सगली चिंता। करतार नानक गुरमुख मिले ना विछड़े, जे मिले सिरजनहार। तुरकी वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, तुरकी वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। ड्याल पुरख मेरवा खानी। कली काल की मिटे कलेसा, एको नाम मन में परवेश। साधु तूर मुख मत खिलाई, नानक उधरे हर गुर सरनाई। तुरकी वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, आई तिन सगली चिंत मिटाई। ड्याल पुरख मेरवाना, ड्याल पुरख मेरवाना वर नानक साच बखाना, तुरकी वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, तुरकी वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। वाहे गुरु, वाहे गुरु।
वाहेगुरु। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। ए हीरियां तो भी महंगे तेरे श्वास बिना नाम जपन दे बिना सिमरन सेवा करन दे एवे व्यर्थ जा रहे हैं। ए कदे मुड़ के मिलनगे आख्या किसे भी कीमत तो नहीं मिलनगे। और जेहो जे कोई कर्म कर रहा है वो उसनु भुगतने ही पैंदे हैं। पर बाबा कबीर जी जो श्रोमणी भगतां विचों भगत होए हैं भगत कबीर जी कह रहे हैं सब कुछ करदियां होया भी नाम जपदियां सेवा करदियां सिमरन करदियां भी आप उस मालिक कोलों डर के कह रहे हैं अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे पता नहीं जो कुछ मैं कर रहा तेरे दर ते परवान होवे ना होवे इसलिए अपने कर्म की गत अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे मैं क्या जानू बाबा रे अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे पशु मरे दस काज सवार है बिना नाम तो मनुख मर जाए किसे काम नहीं आउंदा और पशु मर जाए उदियां हड्डियां भी काम आउणगियां उदा मांस भी कई जानवरां दी खुराक बनेगा कितना काम आउंदा है उदे चमड़े दे जोड़े बनदे हन कई समान बनदे हन। है मनुख जे तू मनुछा जन्म प्राप्त करके नाम नहीं जपया सेवा नहीं कीती कोई परपकार नहीं कीता ता तेरे नालों ता ओ पशु चंगा है जेड़ा जीवदियां ता घा खा के आ गऊ आदक घा खा के दुध देंदियां हन ते तू की दिता संसार छत्ती पदार्थ खा के भी जे तू शुकराना नहीं कीता ता उना पशुआ तो माड़ा है तू। नर मरे नर काम ना आवे पशु मरे
दस काज सवारे नर मरे नर काम नावे पशु मरे दस काज सवारे पशु मरे दस काज सवारे कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला केस जले जैसे घास का पूला कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे मैं क्या जानू बाबा रे अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे केस जले जैसे घास का पूला हाड जरे ज्यों लाकुरी केस जरे ज्यों काश एह जग जरता देख के एह जग जरता देख के भय कबीर उदास मैं जानिया दुख मुझको दुख सभाया जग ऊंचे चढ़ के वेखिया घर घर एहो अग हाड जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला उपजे निपज समाई नैनो देखत एहे जग जाई एनी लोयनी देख दिया केती चल गई एनी लोनी देख दिया हो केती चल गई फरीदा लोका आपो अपनी मैं अपनी पई
मैं अपनी पई। हाट जवे जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला। उपजे निपजे निपज समाई, नैनो देखत ए जग जाई। इना अखां दे वेखदियां वेखदियां कितने चल गए, पर ए मनुख तू अजे भी नहीं समझिया कि मैं भी चले जाना। तू भी तो उसे ही क्यू विच खड़ोता है, पता नहीं कल किदी वारी आवेगी। इनी लोहनी देखदियां केती चल गई, कितने ही चले गए। एक बिनस है एक अस्थिर माने, अचरज लख्यो ना जाए। कैसियां काल युग ने साडियां अखां बंद कर रखियां हन, के अनेकां मृतक शरीरां नूं शमशान भूमका जाके अगन पेट कर आए हां। पर साडे मन ने अजे भी मौत नूं चेते नहीं कीता, असी जानदियां के असी सदा लई बैठे रवांगे। हजूर कहंदे ने एक दिन चलना पवेगा, ए तन जाएगो कबीर, ए तन जाएगो सको तो ले हो बहोर। नांगे पांव ते गए जिनके लाख करो, जेडे करोड़ां अरबां पति राजे महाराजे चक्रवर्ती पातशाह सन, ओ भी नंगे पैर चले गए। ओ भी कुछ ना ले जान लगे, कुछ ना ले जा सके। एक वड्डा शाहूकार शरीर त्याग गया, ते घर वाले जदों अगन पेट करन लगे ना, ते उना दी निगाह पै गई उदे लक दे नाल सोने दी जंजीर बनी होई सी। क्योंकि वड्डे लोग जो होंदे सन ओ लक दे नाल सोने दी जंजीर बन के रखदे सन, ते घर वालियां दी जदों निगाह पै गई ना उस जंजीर ते झट ओ जंजीर खिंच लई। बई बाबा ए किधर लै चले बई। कबीर जी ए नजारा देख रहे सन ता आप कहंदे हन, कौडी कौडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, चलती बार ना कछ मिलियो लई लंगोटी तोड़। कौडी कौडी जोड़ के कितना कुछ जोड़िया, पर जांदी वेरी ओ चैनी भी उन्होंने खिंच ली घर वालिया ने। इसलिए भाई बिना सिमरन तो बिना नाम तो बिना नितनेम तो तेरे नाल कुछ नहीं जान वाला। ये शरीर है ये ता हार्ड जले जैसे लकड़ी का तूला, जिस तरह लकड़ा बलदियां ना हड इस तरह जल जानगे, तेरे शरीर स्वाह हो जाएगा, दस नाल की ले जाएगा। कुछ जाने नाल तेरे नाम जाएगा। हड जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला। हाट जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला। कहत कबीर तब ही नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे, जम का डंड मूंड में लागे। कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे, अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे, मैं क्या जानू बाबा रे।
चंदन मर्दन अंगा सो तन जले काठ के संगा। जो कुछ भी मनुख करदा है अपने शरीर लई करदा है। जे चंगियां खुराकां खादियां छत्ती प्रकार दे भोजन होर कई खुराकां कई कुश्ते जो कुछ भी तैं अज तक खादा अपने शरीर नू पालन लई। चंगे तो चंगे वस्त्र पहने तां शरीर लई पहने। चंगियां तो चंगियां सुगंधियां लाईयां इस शरीर नू ते फिर आराम भी कीता तां शरीर लई कीता है। मनुख कदे तू अपनी आत्मा नू भी खुराक दिती है। जिस आत्मा दे सदके तेरा शरीर चल रहा है जिधर जाने लोकी तैनू नमस्कारां करदे हन अदब करदे हन सत्कार करदे हन। ए किदी कृपा है। ए जितने तक उसकी ज्योति मौजूद है तां तेरा सत्कार हो रहा है प्यार हो रहा है। ते जदों ओ ज्योति शरीर तो वख हो जाएगी इस शरीर नू अगन भेंट कर दिता जाएगा। इसलिए जो कुछ भी तू कीता शरीर लई कीता दस केड़े काम आया। तू आत्मा नू कदे कीर्तन दा भोजन नहीं दिता कदे सत संगत दी सुगंधी नहीं लाई कदी गुरु दी कृपा दे इस आत्मा नू वस्त्र नहीं पहनाए। दस तू आए हो केड़े काम तेरा आना किस काम होया। शरीर दी पालना ता सारी प्रकृति कर रही है तियां पुत्र भी सारी प्रकृति पैदा कर रही है। अपने अपने वेतन सार घर बार सारी प्रकृति ने बनाए हन। तेरे विच ता वादा ए सी कि तू सास ग्रास भगती करके नाम दी पूंजी नाम दा धन तेरे कोल आउंदा। इसलिए महाराज कहंदे ने इस शरीर ने ता भाई किसे काम नहीं आउना। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला। कहत कबीर तब ही नर जागे जम का दंड मूंड में लागे। जम का दंड मूंड में लागे कर्म की गत मैं क्या जानू मैं क्या जानू। बाबा रे अपने कर्म की गत मैं क्या जानू मैं क्या जानू। बाबा रे मैं क्या जानू 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 बाबा रे। क्या जाना कि वो मरेंगे कैसा मरना होए। क्या जाना किव मरेंगे किसे नू पता नहीं कदों मरना किथे मरना है और मरण दा कारण की बनेगा ये किसे नू पता नहीं। रावण वर्गिया नू पता नहीं लग सकिया जिन्हां ने काल नू अपनी चार पाई नाल बन के रखिया होया सी। कहंदा सी मैं काल नू मार लवांगा पर आखर काल ने मार लिया। रखिया दे प्रबंध कितने कर रखे सी रावण वर्गिया ने। लंका सा कोट समुंदर सी खाही समुंदर वर्गी डूंगी खाई ते उदे विच उसने अपना कोट किला उसारिया होया सी भई कोई आके सर ना कर सके मार ना सके।
पर अंत समा जदों आउंदा है ना ये काल झपट मार ही जांदा है। ये तां काल बियाल ज्यों परयो डोले मुख पसारे उम्मीद ये मुख खोली फिरदा है हर मनुख दे पिछे भाई जदों स्वासां दी पूंजी समाप्त होवे ते मेरी तां इको ही ग्राही है। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। काल बियाल जो परयो डोले मुख पसारयो मीत आज काल फुन तोहे ग्रस है इको ही ग्रास बनेगा। आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ राखो चीत ते फिर बेनती कीती महाराज फिर की करिए ता गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे हन कहे नानक राम भजले जात अवसर बीत। अवसर बीतदा जा रहा तेरा क्या जाना कि वो मरेंगे कैसा मरना होए ये किसे नु पता नहीं कदों मरना है किथे मरना है किवें मरना है क्योंकि नर चाहत कछ औरें की औरें भई चितवत रहो ठगोर नानक फांसी गल परी। जदों समा आ जाना है ता फिर काल रूपी फांसी पै ही जानी है गले विच जाना ही पवेगा। एक रब दे प्यारे गुरु के लाल गुरु के सिख रहंदे सन दो भरा एक मनुख उना दे पास आया भई मैं सुनिया तुसी बड़ी रब दी रजा विच रहन वाले हो उस दे हुकम नू सिर मथे मनदे हो पर मैं किवें मन्ना कि तुसी वाकया ही रब दी रजा विच रहन वाले हो। आके ठहरिया गुरु के सिख ने बड़ी सेवा कीती कुछ बानू दर्द होई कहन लगा महाराज कृपा करो थोड़ी अग बाल दियो ते मैं सेक लवां क्योंकि सर्दियां दे दिन हन। ओ गुरु का सिख कहन लगा सवेरे मेरी दुकान नू अग लगनी है जितनी मर्जी है सेक लवी हुण आराम कर क्योंकि अमृत वेला एवें ना चला जाए। जेड़ा रात नू आराम नाल सवेगा अमृत वेले ओही उठ सकदा है ना ते जिन्हें अद्धी रात तक जागना ओ की उठेगा अमृत वेले। कहन लगे हुण आराम कर लो सवेरे मेरी दुकान नू अग लगेगी ते तुसी अग सेक लेना जितनी मर्जी सेक लेना। अग हैरान हो गया भई कह की रहे। दिन चढ़िया उसे वेले सुनिया आ गया भई तुहाडी दुकान नू अग लग गई है। बजै जी दी दुकान सी सब कपड़े जल गए। ए प्रेमी कहन लगा लै भई हुण जितनी मर्जी है बांह सेक लै। वो कह लगा अनोखा जिहा बंदा भई जदों तैनू पता है कि रात नू अग लगनी है इस नू ते अपना बचा कर सकदा सै क्यों नहीं हो सकदा बचा पता होवे ता। ओ गुरु का लाल कहन लगा फिर इस गल दा जवाब तू लेना है ता मेरे वड्डे भरा को लगा जा इथो 20 मील दूर है। ओ वड्डे भाई कोल जा रहा जो जल पानी दी सेवा सी उसने कीती ते कुछ पुछना चाहुंदा सी भाई ये किवें हो सकदा पता होवे भाई ये मुसीबत आउन वाली है ते बंदा बचा ही ना सोचे अपना। मैं तो नहीं मनदा इस गल नूं क्योंकि जेड़ा बचाव करदा है अपना वो बच ही जांदा है। ए कादा पाना मनना होया। वो कहन लगा रुक जा मेरे परिवार ने जाना है नदियों पार ते मैं उना नू विदा कर लवां ते फिर मैं तैनू दसांगा इस गल दा जवाब फिर देवांगा। सात संगत बोलो श्री वाहिगुरु। फिर देवांगा जवाब। जदों परिवार ने बस्तर वगैरा पहन ले तैयारी हो गई कोई रिश्तेदार सन उना दे दरियाओं पार रहंदे सन उना दे घर विवाह सी
उधर जा रहे सन। ते ए गुरु का सिख उस मुसाफिर नू कहन लगा भाई मैं इन्हां नू छड आवां क्योंकि भरिया होया बेड़ा जदों दरिया दे विचकार जाना ता ए सारा बेड़ा डुब जाना और फिर मैं तेरे नाल गल करदा उचारण करो श्री भाई। ते जदों दरिया ते ठेलिया बेड़े नू कितों कितों सारे लोग आए हुए सन सफर करन वाले ते जदों दरिया दे विचकार गया तां सारा ही बेड़ा बह गया पानी दे विच सारिआं दी मौत हो गई। ते ओ मुसाफर कहन लगा महाराज ए मैनू तां कोई समझ नहीं आई तुहाडी ए किहो जिहा पाणा है जद तुहानू पता है कि बेड़ा डुब जाणा है ते फिर भी तुसीं अपने परिवार नू बिठा दित्ता है क्योंकि महाराज कहंदे ने अपने प्यारिआं नू क्योंकि प्यारिया का जीवन ही ऐसा होंदा है साबर अंदर साबरी तन एवें जलेन होन नजदीक खुदाए दे पर पेत ना किसे देन वो सब कुछ वेखदे हन पता होंदा है पर उदे कम विच कदी वो दखल नहीं देंदे रब दे प्यारे। रब दे प्यारे कदे नहीं दखल देंदे उदे रजा विच जो उसकी रजा है ओदे विच राजी रहन वाले होंदे हन ओही सेवक है। ते कैसी आग्या कीनी ठाकुर तिस ते मुख नहीं मोरियो सहज आनंद रखियो गृह पीतर उठ उहां को दौड़ियो। ते जदों ओ बेड़ा डुब गया ते ए गुरु का सिख कहंदा आ भाई हुण दस की पुछना चाहुंदा कहंदा जी मैं की पुछना तुहानू ओनू पता सी भाई दुकान नू अग लगनी है उसने नहीं बचाया कुछ अपना तुहानू पता सी अज तुहाडा सारा परिवार डुब जाना है तुसी नहीं बचाया ए कादा पाणा होया ए कादा हुक्म होया एदा की सबूत है कि ओदा हुक्म सी। ता ओ गुरु का सिख कहन लगा भाई गुरमुखा भाई ओ टाली तेनू नजर आ रही है एक दरखत वखरा जिहा कहंदा जी आ रहा है कहन लगे अज तो 7 दिन बाद तू इथे आके सूली चढ़ना फांसी चढ़ाया जाना ते तू अपना बचा कर ले जितना कर सकना है। प्यारी साध संगत जी अपना बचा करदा करदा सिर पट घोड़ा दौड़ाया 7वें दिन उथे ही पहुंच गया उथे पहुंच के इनू पता कोई नहीं कि मैं अपनी मौत दे मुंह विच आ गया जिथे जाना। एक सुंदर स्त्री बैठी है ओ उठी ते कहन लगी मैं तेरे नाल विवाह कराउना ते पर इस तो पहला कुछ शक लईए आ मुंदरा लै जा कोई खान पीन दी चीज लिया खाइए ते फिर मैं तेरे नाल चलांगी। ता मन विच सोचा भाई ये ते कमाल हो गई है सिख कहंदा सी मौत आवेगी पर ए तां सुंदर स्त्री आ गई है। जां बाजार गया मुंदरा विखाया दुकानदार समझ गया ए चोरी दा है शहर विच टंडोरा फिरिया होया सी के राजे दी चोरी हुई है ते राजे ने एक नहीं दो नहीं जदों सिपाहियां ने इनू पकड़िया राजे ने आख्या जाओ इसनू सूली चढ़ा दियो ते ओसे ही ताली दे कोल आके खड़ो गया इंतजार करन लगा मौत दी ते जलाद पुछदे हन कोई आखरी खाइश कहन लगा ओ गुरु के सिख दी कुली है मैं ओदे नाल गल करनी चाहुना। सिख नू बुलाया गया कहन लगा गुरमुखा तेरे होर तां सारे बचन ही सिद्ध हन 7 निकले हन पर ए दस जेड़ी कहंदी सी औरत बीबी कि मैं तेरे नाल विवाह कराउना है ओ कौन सी तां गुरु का सिख कहन लगा जिंद वहोटी मरन वर ले जासी परनाए ओ तैन कहंदी सी ना मैं तेरे नाल परनी ना ओ तेरी मौत सी। तो इसलिए प्यारी सात संगत जी पता कोई नहीं होंदा अखीरला स्वास कदों आउना है इस तो पहला पहला आपा जप के अपना जीवन सफला कर लईए इसलिए महाराज कहंदे हन अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे अपने कर्म की गत मैं क्या जानू
बाबा रे बाबा कर्म की गत मैं क्या जानू मैं क्या जानू। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे।
जय गुरु जी की। Thank you.